हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आइए, आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है नेचर लवर अद्विक। और आज मैं आपको गंगेश्वर मंदिर ले चल रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं और गंगेश्वर मंदिर की तरफ। दोस्तों, हम दीव सिटी से निकले हैं और गंगेश्वर मंदिर जो है यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। किंतु इसके बीच में भी कुछ देखने लायक जगह आती है, जैसे दीव सिटी से थोड़ी सी दूर चलते हैं तो जलंधर बीच करके एक जगह आती है, जलंधर बीच, जो कि बहुत ही देखने लायक जगह है। समुद्र की लहरें यहाँ पर बहुत ही सुहावनी लगती है, उसकी मधुर आवाज़ और ये जो व्यू है वो आप सिर्फ़ देखने पर ही समझ सकते हैं। इसे महसूस करना सिर्फ देख कर ही किया जा सकता है, इसकी आवाज़ सुनना सिर्फ यही देख कर किया जा सकता है। थोड़ी सी और आगे जाने पर कुखरी वारशिप मेमोरियल है। दोस्तों, अब हम गंगेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं, ये सामने गेट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब हम अंदर की साइड जा रहे हैं, ये गंगेश्वर मंदिर का गेट है। बाहर की तरफ कुर्सियाँ, सीमेंटेड चेयर्स बनी हुई है जिस पे कि आप बैठ सकते हैं, और ये अंदर जाने के लिए एक सकड़ी सी जगह है। ये बाहर की साइड दोनों साइड थोड़ी थोड़ी जगह दे रखी है बैठने के लिए। और नीचे अब हम चलते हैं दोस्तों, नीचे पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है। सामने देखते हैं तो नंदी की प्रतिमा विराजमान है, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि यह जो मंदिर है यह चट्टानों के बीच में बना हुआ है। चट्टान से लगे हुए हमें शेषनाग की सैया दिखाई देती है और त्रिशूल बना हुआ है, और साइड में जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनी हुई है। सामने आप जो देख रहे हैं ये गंगेश्वर मंदिर का नज़ारा है। यहाँ 5 शिवलिंग है, पांचों शिवलिंग को जो है अरब सागर जो है अपने पानी से पांचों शिवलिंग का अभिषेक करता है। काफ़ी पर्यटक यहाँ वीडियो बनाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल से बना हुआ है। जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था तो वो इसी जगह पर अपनी दैनिक पूजा पाठ के लिए आए हुए थे। यह भी माना जाता है कि इसमें जो सबसे बड़ी मूर्ति है वह भीम ने बनाई थी। फिर जैसे जैसे उनका क्रम बड़े से छोटा होता जाता है पांचों भाइयों का, उसी तरह पांचों मूर्तियां, पांचों शिवलिंग बनाई हुई है। दोस्तों, बाहर की साइड हम जैसे ही निकलते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो यहां से समुद्र का एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह से खुला हुआ है। मतलब पानी सीधे समुद्र की लहरें सीधे तौर पर अंदर की साइड आती है और अपने जल से जो है इनका अभिषेक करती है। और दोस्तों, बाहर की साइड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जगह है घूमने फिरने के लिए, दिखाई देगी आपको। एक बड़ा सा मैदान है मंदिर के पीछे की साइड बना हुआ है। पानी की लहरें जो है ये पत्थर जो आप देख रहे हैं इनको तोड़ते हुए नीचे गिराती है, तो यहाँ पर सीमेंटेड क्यूब्स रख दिए हैं सरकार ने। दोस्तों, बहुत से टाइम जब पानी की लहरें ज़्यादा होती है तो मूर्तियाँ पूरी तरह से, शिवलिंग जो है पूरी तरह से ढक जाती है, और काफ़ी टाइम पानी बहुत कम होने की तरह वजह से जो है पानी अंदर नहीं पहुंच पाता है। पर जब पानी अंदर आता है तो वो नज़ारा देखने ही लायक होता है। बाहर जो आप देख रहे हैं लोग घूमते हुए, मंदिर के पीछे की साइड की जगह है जहाँ पर करीब करीब 500 मीटर के करीब जगह होगी, और वहाँ बढ़िया आराम से घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप खाना वगैरह लेके आना चाहें तो वहाँ लेकर खा भी सकते हैं, और बहुत ही शुद्ध वातावरण है। और यहीं पर सामने की साइड ही जो है दीव सरकार ने अपना सोलर पावर प्लांट दे रखा है, डाला हुआ है, जिससे कि दीव को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो दोस्तों, ये मंदिर है अब आप, तो दोस्तों ये वही मंदिर है। यह मंदिर पुदम नामक स्थान पर है जो कि दीव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।